बस बस हीरा बस बस। ओहो कौन सा आराम से शुरू करता हूँ भगवान का नाम लेकर। और दोस्तों मैंने ना अपना एक्वेरियम पूरी तरह से साफ कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये चेक करें भाई, हमारी फिशेज कितनी अच्छी लग रही हैं। जब पानी गंदा था ना ये बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, इस बार इतना गंदा हो गया था पानी, हर तरफ ना काई काई जम गई थी, लेकिन अब देखें भाई कितनी क्लियर नजर आ रही है। ओहो ओ भाई साहब क्या बात है क्या बात है क्या बात है यार। भाई मैं अपने एक्वेरियम में ना अब स्टोन्स वगैरह बिल्कुल नहीं डालता, अब मैं बिल्कुल ऐसे रहने देता हूँ जिससे कि हमारी मछलियाँ ना और भी अच्छी दिखती है मुझे। और हम निकलते हैं फिलहाल कैनल के लिए, क्योंकि आज ना परी को हम तांगे में चलाने वाले हैं शायद। भाई देखो मैंने सुना तो यही है, अब पता नहीं वहां जाकर प्लान चेंज ना हो जाए बस पापा जी का। फिलहाल हम जल्दी से कैनल पर पहुंचते हैं, वहीं आपसे मिलता हूं मैं। पापा जी नमस्ते, मैंने सुना है कि नई गाय आने वाली है। परसों को आएगी और ये ये भी रहेगी, क्या बात है। ये देखे भाई यहाँ पर आते हैं ना एक गुड न्यूज मिल गई है हमें। मैंने सुना था कि बाबा जी एक और गाय लेने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कंफर्मली लेने वाले हैं। भाई परसों को ना हमारे पास एक गाय आने वाली है नई वाली, ये भी यहाँ पर रहेगी राधा, और एक और आने वाली है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जल्दी से वो गाय आ जाए एक बार। चलो भाई फिलहाल यहाँ पर ना मम्मी साग तोड़ रही है। यार अभी तो ये बहुत छोटे हैं मम्मी, रहने दो थोड़ा बड़ा होने दो उसके बाद तोड़ना, इन्हें खरगोश खा लेंगे। ये सही है यार। यार हम ना साग को तोड़ नहीं रहे क्योंकि साग ना थोड़ा छोटा है अभी, बाद में तोड़ लेना। भाई अभी मैं वापस घर पर आ गया हूँ मम्मी के साथ। और ये देखे भाई अब हमारे पास ना दो दो बुलेट हो गई है। ये मेरी बुआ के लड़के अंशुल की बुलेट है और ये मेरी वाली बुलेट है। भाई हमारे पास दो दो बुलेट हो गई है, अभी कुछ दिन बाद वो घर पर आएगा और तब इसको लेकर जाएगा। ये कोच साहब का खाना है, फिलहाल मैं कोच साहब का खाना लेकर ना कैनल पर जा रहा हूँ। तो भाई फिलहाल मैं कैनल पर पहुंच गया हूँ और मैंने देखा है कि आज हमारे जो घोड़े हैं उनके ऊपर जो शेड है उसमें थोड़ा सा काम पापा जी ने करवाया है। पहले जो शेड थी वो आधे में बनी हुई थी, लेकिन अब पापा जी ने पूरे में शेड डलवा दी है। उसके बाद मैंने डॉग्स के कटोरे इकट्ठे करे और इकट्ठे करने के बाद मैं झूमर के पास चला गया। कोच साहब झूमर को खोल कर अंदर बांध रहे थे क्योंकि अंदर उसका चारा पड़ा हुआ था। झूमर को अंदर बांध कर मैं चला गया अपने सब्सक्राइबर से मिलने बाहर। उन सबसे मैं अच्छे से मिल मिलाकर उसके बाद जैसे ही मैं अंदर आया तो मैंने एकदम से देखा कि गलती से कोच साहब से हीरा बाहर निकल गया था, उसको फाइनली हमने अंदर बंद कर दिया। क्या देख रहे हो भाई, आज कोच साहब जैसे अंदर न्यार कर रहे थे ना हीरा का, हीरा गलती से बाहर निकल गया और आपने देखा ही होगा भाई किस तरह से वो छलांगे मार रहा था। तो कोच साहब ने बोला कि इसका पैर मुझे लगता है बिल्कुल ठीक हो चुका है, आज हम एक काम करते हैं परी को बाहर नहीं लेकर जाते, आज हम हीरा को बाहर लेकर जाते हैं। ये देखें भाई बच्चे भी कितने खुश हो रहे हैं हीरा के नाम लेते हैं। तो भाई जल्दी से अंदर चलते हैं, हीरा को तैयार करके बाहर लेकर आते हैं। तो भाई अभी क्या कर रहे हैं, हीरा को ना मोहरा पहना रहे हैं। कोच साहब आज फिर से नहलाया क्या? ये देखें भाई नहलाने के बाद कितना ज्यादा गोरा चिट्टा हो जाता है। बस आराम से हीरा, भाई क्या हो रहा है जान ज्यादा पड़ गई इसमें। आराम से हीरा, भाई ये भी आज पंछी की तरह कर रहा है। बस हीरा पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, कोच साहब ने पकड़ लिया, मैं भी पकड़ू, लात भी तो मारता है। आराम से हीरा, बस ओह भाई साहब ओ निकल गया यार, निकल गया भाई बाहर निकल गया, ये चोट ना मार ले यार। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ये पकड़ लिया भाई हीरा। फाइनली कोच साहब ने ना हीरा पकड़ ही लिया है और भाई लगा दिया उसको मोहरा। ये देखिए भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है आज नहाकर। हट जाओ, बस 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 आराम से आराम से आराम से, लात मार देगा लात मार देगा। भाई हीरा के बाहर आते हैं ना सब इतने खुश होते हैं, सबको सबसे ज्यादा हीरा ही पसंद है पता नहीं क्यों। ये देखिए भाई हीरा कैसे चल रहा है, मैं इसके ज्यादा पास नहीं जा रहा वरना स्कूटी में भी लात मार देगा। भाई मैं तो दूर ही दूर चल रहा हूँ। शाबाश, ओहो कोच साहब आराम से। ओह भाई साहब इतना ज्यादा एक्टिव है ना आज ये कोच साहब। इसको भाई हम एक काम कर रहे हैं, आज हीरा को स्कूटी पर बिठा रहे हैं। नहीं नहीं, कोच साहब को स्कूटी पर बिठा रहे हैं और हीरा को तब भगाएंगे। भाग ले गए भगाऊं? अरे धीरे से क्या, धीरे धीरे बहुत खुद देगा। ओहो हो ओ भाई साहब भाई साहब, ओहो भाई ये चेक करें, आज हीरा हमारे साथ स्कूटी पर चल रहा है, क्या बात है। कोच साहब आराम आराम से भगाएंगे, लेकिन ज्यादा तेज नहीं भगाएंगे, आगे बकरी भी है कोच साहब, आराम से बस ऐसे चलता रहे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ भाई साहब। कोच साहब इसका मुंह फट गया ना, कोच साहब आराम से इनके लात ना मार दिए भाई। रास्ते में भेड़ बकरियां ये सब भी तो मिल रहे हैं। बस भाई ये कोच साहब ने जुगाड़ बिल्कुल सही लगाया, स्कूटी पर बैठो पीछे एक इंसान को पकड़ा दो उसका जेबड़ा
और भाई आराम आराम से स्कूटी से चलते रहो, इसकी ट्रेनिंग भी होती रहेगी और ना ही किसी इंसान को थकावट होगी, ना मुझे ना कोच साहब को। देखें भाई इसकी नसें दिखने लग गई हैं पैरों की। हाँ भाई हीरा जान निकल गई आज। भाई आज ना ये बहुत ज्यादा भाग रहा था, इसके जाल में तीन पाइप है, तीन पाइप में से हम एक पाइप को बार बार भूल जाते थे निकालना, और ये उसके नीचे से निकल के ना एकदम सारे कैनन में घूमता था, कभी बत्तखों को डराता था, कभी कहीं जाता था। ले भाई तेरे अंदर ज्यादा जान आ रही है ना, अब यहाँ भाग। पसीने नहीं आए पर अभी तक कोच साहब से। भाई अभी हम कोच साहब की और हीरा की ना रेस करवाने वाले हैं। कोच साहब को मैंने वहां पर भेज दिया सामने बिल्कुल, और एक दो तीन बोलूंगा और तब देखूंगा भाई कौन पहले आता है। कोच साहब तैयार हो? एक दो तीन आ जाओ भाई, अब देखना कौन जीतेगा। ओ भाई भाई ये देखे भाई कोच साहब जीत गए। ओ भाई हीरा, ओ हो भाई साहब। भाई हीरा ने भी पूरी रफ्तार पकड़ ली थी, क्या बात है यार, बहुत मजा आया। ये तो ड्रैग रेस हो गई कोच साहब, मजा ही आ गया इसमें तो। पहले आप जीत गए थे लेकिन फिर जब आपने मंदी कर ली फिर एकदम आगे निकल गया। भाई हीरा भी तेज हो रहा है, कोच साहब ने मंदी स्पीड कर ली, तू एकदम आगे निकल गया। कोच साहब बहुत तेज भागने लग गए। तो तुम्हारी दोनों की ओर मेरी ओर इसकी होगी। चलो ठीक है भाई, अब ना मैं और हीरा रेस करने वाले हैं। भाई मुझे तो डर भी लग रहा है कोच साहब इससे, मेरे ऊपर चढ़ तो नहीं जाने का ये। नहीं अभी देखो दोनों की दौड़ होने वाली है, अभी देखते हैं अभी भाई आगे निकलते हैं या हीरा आगे निकलता है। दौड़ो दौड़ो, चलो हीरा, चलो हीरा। भाई मेरी बारी में, हीरा भागा ही नहीं, मैं ये अकेला इसको खींचता रहा। शायद हीरा थक गया है, थक गया कोच साहब ये। अरे थक गया है, सांस चढ़ गया क्या इसको। ओहो भाई इसकी नाक फूल गई, ये थक गया भाई पूरा। मैं ही थक गया यार, इतने से शूट में मैं ही थक गया। तो भाई ये तो थक ही रहा होगा, तब से लेके यहाँ तक भाग के आ रहा है। इसके वैसे इस पैर में थोड़ी सी चोट है लेकिन वो अब ठीक हो चुकी है, इसीलिए आज हम इसको बाहर लेकर आए हैं। कोच साहब चले अब घर पे। चलो भाई अच्छा हीरा आपके साथ तो बड़े आराम से चल रहा है, मेरे साथ तो नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। भाई कोच साहब से इसको ज्यादा प्यार हो गया, मुझसे इतना लगाव नहीं करता हीरा। अरे भाई दिखाना दिखाना, ये तो बहुत सुंदर बकरी है यार। बकरी है बकरा है बकरा, हमको भी लेनी है। ये कितनी प्यारी बकरी लग रही है, ये भी आपके ही है? आज ही लाए हो क्या? आज ही लाए। अच्छा तीन तीन हजार। चलो ठीक है हम भी लेंगे। ओहो भाई गोद में उठाकर ले गया। भाई ये देखे यहाँ भी भीड़ इकट्ठा हो गई भाई हीरा के नाम से। हीरा सबको ही पसंद आता है। बस बस हीरा बस बस, चलो आराम से चलो। हट जाओ जी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। लो भाई हम वापस आ गए कैनल पर हीरा को लेके, और देखे भाई कोच सब प्यार कर रहे हैं इसको, शाबाशी दे रहे हैं। बस अब नहीं भागना ठीक है, इसके कूदने की सजा इसको इतनी बड़ी दे दी, इसको सारे में चक्कर कटा दिए। चलो इसको घास खिलाएं, बच्चों घास थोड़ के लाओ, थोड़ी थोड़ी धूप घास। भाई हीरा तो बेचारा सदमे से में आ गया। ये पक्का कल को अकड़ने वाला है भाई, पहली बार भाग आया ना इतना। लो जी कोच साहब हीरा को घास खिलाने वाले। खा ले बेटा, शाबाश, ये तेरा इनाम है। बिस्कुट खिलाओगे? बेचारे किसी हालत खराब कर दी कोच साहब आपने। देखो ये पसीने आ गए यहाँ तो। तुम भी हमारे साथ साथ है, ये भी तुम्हारे साथ था। बताओ यार बच्चे इतना ज्यादा प्यार करते हैं हीरा को। इसे देखने के मारे ना हम लगभग यहाँ से एक या डेढ़ किलोमीटर दूर गए होंगे, या पता नहीं ज्यादा भी चले गए होंगे। बेचारे सारे के सारे हमारे पीछे रहे। यार आराम से अंदर चला जाए कोच साहब, आराम से चल 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 चल। चलो तो भाई मैं आ गया हूँ घर पर। भाई अतीना चेक करें अगर एक। ओए अतीना तू बस मान जा यार, मैं तुझसे क्या बोलूं। ए अंदर चल चल अंदर चल चल। अतीना ना यार अब तक भी नहीं सुधरी है। तो भाई कल हमारा प्लान था कि परी को बाहर लेकर जाएंगे, लेकिन वहां जाकर हीरा ने हमारा मूड ही बदल दिया। हीरा बाहर निकला, उसको हमें देखकर ऐसा लगा कि शायद हमें इसको बाहर ले जाना चाहिए, इसमें जान ठीक ठाक पड़ रही है। तो फिर हम उसको बाहर लेकर गए और भाई इतने मजे करे। कोच साहब की रेस भी हुई, मेरी भी रेस हुई, लेकिन मेरी बार को हीरा भागा ही नहीं। कोच साहब की और हीरा की रेस में दोनों बराबर ही रहे, लेकिन बाद में हीरा थोड़ा तेज निकल गया था। भाई बड़ा मजा आया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव ओवर एंड आउट।